बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है बेटा। हम लोगों ने संस्कृत में कर्ता के रूप भी सीख लिया और क्रिया के रूप भी सीख लिया, यानी क्रिया के रूप यानी धातु रूप और कर्ता के रूप भी हमने सीखा, ठीक है। अब हम इन दोनों की सहायता से संस्कृत में वाक्य का निर्माण करेंगे और फिर उसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे। और मैं आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रही हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग इसको अच्छी तरह सीखोगे, समझोगे और फिर स्वयं भी इसे बनाने का प्रयत्न करोगे, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं बेटा, आज हम लोग क्या है, जब हम संस्कृत में वाक्य का निर्माण करते हैं तो इसके लिए हमें कर्ता के रूप के होना आवश्यक है और क्रिया के रूप का भी होना आवश्यक है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ कर्ता के रूप को भी लिख लिया है और क्रिया के रूप यानी धातु रूप को भी लिखा है। उस दिन हमने गम धातु बताया था, आज मैं आपको गम धातु लट लकार और पट धातु लट लकार दोनों ही मैंने लिख लिया है, ठीक है। चूँकि ये लट लकार वर्तमान काल के धातु है इसलिए इसमें लट लकार वर्तमान काल के ही वाक्य का निर्माण होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने लट लकार के ही प्रत्यय का प्रयोग किया है। इसमें जो धातु है उसके साथ हमने लट लकार के ही प्रत्यय को हमने जोड़ा है, ठीक है, ठीक है। इसलिए ये लट लकार के ही वाक्य निर्माण होंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए कम से कम उसमें कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। छोटा से छोटा भी वाक्य बनाएंगे तो हमें कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है, ठीक है। हिंदी या संस्कृत में वाक्य बनाते समय हम सबसे पहले कर्ता को रखते हैं, इंग्लिश में ही पहले सब्जेक्ट को ही रखते हैं, ठीक है। और अब हम इसको देखेंगे बेटा कि हम कैसे निर्माण करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ये जान लीजिए कि कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष का होगा, क्रिया भी उसी वचन और उसी पुरुष के उसमें जुड़ेंगे, उसको उसके साथ उसको क्रिया और कर्ता हमें एक ही वचन एक ही पुरुष के ही हम प्लस करेंगे तभी हमें वाक्य का सही वाक्य का निर्माण होगा, ठीक है। अगर हम कर्ता इसमें प्रथम पुरुष एक वचन का लेते हैं तो क्रिया भी हमें प्रथम पुरुष एक वचन का ही लेना होगा। अगर हम प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता लेंगे और क्रिया अगर हम प्रथम पुरुष द्विवचन का ले लेंगे और वाक्य बना देंगे तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है। इसलिए बेटा आप लोगों की सुविधा के लिए, बहुत सरलता के लिए, ताकि आप वाक्य का निर्माण सरल रूप से आसानी रूप से बना सको, इसके लिए मैंने इसमें नंबर भी दे दिया है, ठीक है। क्रम से हमने नंबर दिया है, प्रथम पुरुष के, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष के। नंबर देखिए, सबसे पहले क्या एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो हमने नंबर स्टार्टिंग से दिया है। क्रम से एक नंबर, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ठीक है। नौ प्रकार के कर्ता हैं, कर्ता हमेशा नौ प्रकार के ही रहेंगे क्योंकि बोलने वाले, सुनने वाले और इसके विषय में बात करने वाले, ये तीन ही कर्ता होते हैं और तीनों के तीन तीन यानी नौ ही कर्ता रहेंगे। क्रिया बहुत सारे हो जाएंगी, जो भी धातु हम लेंगे उसका ही क्रिया निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी हमने नंबर दे दिया आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि वाक्य निर्माण के समय कोई असुविधा ना हो। एक नंबर, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ठीक है। उसी प्रकार हमने पट धातु में भी नंबर दिया है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ठीक है। तो चलिए बेटा अब हम लोग वाक्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसमें हमने कर्ता और क्रिया को लिया है, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें सह। सह कौन है? प्रथम पुरुष एक वचन। अब इसमें देखिए बताती हूँ बेटा, उस दिन के पुल्लिंग बताया था, आज मैं स्त्रीलिंग भी इसमें ली हूँ। इसमें स्त्रीलिंग केवल प्रथम पुरुष के ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अलग अलग होंगे, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों सेम होंगे, ठीक है। और कर्ता क्रिया किसी भी पुरुष किसी भी वचन क्रिया सॉरी किस क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग सेम ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ जाता हो अगर लड़का है, यहाँ जाते हैं अगर लड़की है तो जाती हो जाएंगे, लड़का है तो जाता है और लड़की रहेगी तो जाती है हो जाएगी हिंदी में, ठीक है। लेकिन संस्कृत सेम रहेंगे, ठीक है। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए सेम रहते हैं, ठीक है। केवल कर्ता के भी प्रथम पुरुष ही अलग है। तो ये देखिए, स यानी पुल्लिंग और सा यानी स्त्रीलिंग, दोनों का मतलब हो गया वह। फिर द्विवचन में तो पुल्लिंग और ते स्त्रीलिंग, दोनों का मतलब हो गया वे दोनों। फिर बहुवचन में ते पुल्लिंग और ता स्त्रीलिंग, दोनों का मतलब हो गया वे सब या वे सभी, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए बेटा, देखिए यहाँ प्रथम पुरुष बहुवचन में ते है, बहुवचन में ते है पुल्लिंग में, और
प्रथम पुरुष के द्विवचन में, ते है स्त्रीलिंग में, यानी प्रथम पुरुष बहुवचन का पुलिंग और मध्य और प्रथम पुरुष द्विवचन का स्त्रीलिंग, दोनों ही सेम है, ते है। अब आप उसको ध्यान देंगे, नाम से आपको समझ में आएगा कि ये लड़का है या लड़की, यानी स्त्रीलिंग है या पुलिंग। अगर स्त्रीलिंग है और दो है तो उसमें आप ते लगाएंगे, और पुलिंग है अगर दो से ज़्यादा है, यानी तीन चार पाँच जितने भी होंगे बहुवचन होंगे तब ते लगाएंगे, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पुलिंग के लिए लिया, हमने श, हमने यहाँ लिखा श, ठीक है। अब इसमें चूँकि ये प्रथम पुरुष एक वचन का है ये करता, तो हम क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही लेंगे। अब यहाँ से हम ले लेते हैं गम धातु से प्रथम पुरुष एक वचन, यानी ये एक नंबर था देखिए, तो हम यहाँ भी एक नंबर ही लिए, ठीक है। एक नंबर प्रथम पुरुष एक वचन क्या गच्छति, तो हमने यहाँ लिखा गच्छति, ठीक है। और उसका हिंदी हो गया वह जाता है, ठीक है। देखिए श गच्छति, यानी श का मतलब वह और गच्छति का मतलब जाता है, तो वह जाता है, ये पुलिंग के वाक्य, ठीक है। अब हम स्त्रीलिंग का लेते हैं सा, ठीक है, ये स्त्रीलिंग है यानी कोई लड़की के लिए, ठीक है। सा हमने लिया सा, ठीक है। अब ये भी एक नंबर है, प्रथम पुरुष एक वचन यानी एक नंबर, तो हम क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन यानी एक नंबर ही लेंगे। अगर हम इसकी जगह एक नंबर की जगह अगर हम दो तीन या पाँच छः कोई भी ले लेंगे तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा कर्ता जो एक नंबर का है तो हम क्रिया भी एक नंबर ही लेंगे। चलिए पट से लेते हैं एक नंबर प्रथम पुरुष एक वचन यानी एक नंबर क्या है पठती, हमने यहाँ लिखा पठती यानी सा पठती। उसका हिंदी देखिए सा का मतलब क्या है वह, तो हमने यहाँ लिख दिया वह। अब पठती का मतलब क्या है पढ़ता है, और लड़की रहेगी तो पढ़ती है, ठीक है, तो हमने लिख दिया पढ़ती है। तो क्या कि वह पढ़ती है, चूँकि लड़की है इसीलिए पढ़ती है, लड़का होता तो पढ़ता है। अब यहाँ सा पढ़ती का मतलब क्या गया वह पढ़ती है, ठीक है। अब हम लेते हैं युवाम, युवाम कौन से पुरुष और कौन से वचन का, देखिए ये है मध्यम पुरुष और द्विवचन, यानी इसका नंबर क्या है फाइव यानी पाँच, ठीक है। लिया हमने युवाम, यहाँ लिखा युवाम। अब ये चूँकि मध्यम पुरुष और द्विवचन का है यानी पाँच नंबर का है, तो हम इसमें क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन का ही लेंगे, ठीक है। चलिए हम पट धातु से लेते हैं मध्यम पुरुष और द्विवचन यानी पाँच नंबर, क्या हो गया पठ प्लस अथ यानी पठत पठथ, ठीक है। इसका हिंदी हो गया पढ़ते हो। अब यहाँ युवाम का मतलब क्या, हमने लिख दिया युवाम पठथ। अब युवाम का हिंदी क्या है तुम दोनों, हमने लिखा तुम दोनों। अब पठथ का मतलब क्या है पढ़ते हो, हमने लिख दिया तुम दोनों, यहाँ लिख दिया पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। संस्कृत क्या था युवाम पठथ, युवाम पढ़ता, युवाम का मतलब तुम दोनों, पढ़ता का मतलब पढ़ते हो, तो ये तुम दोनों पढ़ते हो, ठीक है। इसकी हिंदी क्या हो गया तुम दोनों पढ़ते हो। अब हमने तीसरा चौथा लिया वयम, और वयम कौन सा पुरुष कौन सा वचन है, देखिए उत्तम पुरुष और बहुवचन, आ इसका नंबर क्या है नाइन, उत्तम पुरुष और बहुवचन वयम नंबर क्या है नाइन, हमने यहाँ लिखा है वयम। अब चूंकि ये उत्तम पुरुष बहुवचन ही नौ नंबर है, तो हम इसमें क्रिया भी नौ नंबर का ही लेंगे। चलिए हम गम धातु से लेते हैं उत्तम पुरुष और बहुवचन नौ नंबर, ठीक है। नंबर भी देखिए सेम है ना, अगर हम अलग नंबर का लेंगे तो गलत हो जाएगा वाक्य, क्या है इसमें गच्छामः, हमने लिखा गच्छामः, क्या लिखा गच्छामः, वयम गच्छामः। अब हिंदी देखते हैं वयम का मतलब क्या है हम सब या फिर हम सभी, हमने लिख दिया यहाँ हम सभी। और गच्छामः का मतलब क्या है जाते हैं, हमने लिख दिया जाते हैं, हम सभी जाते हैं। संस्कृत क्या था वयम गच्छामः, और हिंदी क्या हो गया हम सभी जाते हैं। वयम का मतलब हम सभी, गच्छामः का मतलब जाते हैं, पूरा हो गया हम सभी जाते हैं, ठीक है। अब हम फाइव नंबर लेते हैं तो, अभी तो कौन सा है प्रथम पुरुष
द्विवचन, अरे नंबर क्या है, दो नंबर, और ये किसका पुल्लिंग का है, ठीक है। हमने लिखा तौ, अब इसमें मध्यम प्रथम पुरुष द्विवचन चूंकि दो नंबर का है करता, तो क्रिया भी हम दो नंबर ही लेंगे, ठीक है। चलिए पट से लेते हैं, प्रथम पुरुष और द्विवचन यानी दो नंबर, पट प्लस अतः क्या हो गया, पठत, हाँ तो हमने लिखा यहाँ पठत, तो पठत। अब हिंदी देखते हैं, तो का मतलब क्या है, वे दोनों, हमने लिख दिया वे दोनों, और पठत का मतलब क्या है, पढ़ते हैं, हमने लिख दिया पढ़ते हैं, हिंदी क्या आ गया, वे दोनों पढ़ते हैं, तो पठत यानी वे दोनों पढ़ते हैं, तो का मतलब वे दोनों, पठत का मतलब पढ़ते हैं, तो हिंदी क्या हो गया, वे दोनों पढ़ते हैं, और संस्कृत तो पठत। अब छः नंबर लेते हैं, अहम, अहम कौन सा, देखिए अहम क्या है, उत्तम पुरुष और एक वचन, उत्तम पुरुष एक नंबर और नंबर क्या है, सेवन, तो हम इसमें लिख दिए, हमने लिखा अहम। अब इसमें हम क्रिया भी वही लेंगे, उत्तम पुरुष और एक एक वचन, ठीक है, यानी सेवन नंबर का लेते हैं, ठीक है। गम धातु से लेते हैं, उत्तम पुरुष और एक वचन क्या हो गया, इसमें क्या है, नंबर भी देखिए इसका सेवन है, ठीक है ना, दूसरा नंबर नहीं लेना हमने, ठीक है। जिस वचन जिस पुरुष का कर्ता, उसी वचन उसी पुरुष की क्रिया भी होनी चाहिए। गच्छामि, हमने लिख दिया यहाँ गच्छामि, वया अहम गच्छामि, अहम का मतलब क्या है, मैं, हमने लिख दिया मैं, और गच्छामि का मतलब क्या है, जाता हूँ, अगर लड़की रहेगी तो जाती हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं जाता हूँ या फिर मैं जाती हूँ, यहाँ भी हो सकता है वे दोनों पढ़ते हैं या वे दोनों पढ़ती हैं, ठीक है, हम सभी जाते हैं या हम सभी जाती हैं, ठीक है। लड़की होगी तो लड़की वाला और लड़का होंगी तो लड़का, दोनों के लिए सेम होगा, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, केवल प्रथम पुरुष ही अलग है, ठीक है, प्रथम पुरुष ही अलग है, बाकी मध्यम पुरुष एक ही ये करता है, ठीक है, चाहे वो पुल्लिंग हो या फिर स्त्रीलिंग हो। अहम का मतलब हो गया मैं, और गच्छामि का मतलब जाता हूँ या फिर जाती हूँ, तो हिंदी हो गया मैं जाता हूँ या फिर मैं जाती हूँ, अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ मैं या फिर मैं जाती हूँ। देखा आप लोगों ने कैसे हमने बनाया, इसी तरह अगर हम मध्यम पुरुष बहुवचन के अगर हम कर्ता लेंगे तो हमें क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन के ही लेना होंगे, जैसे छः नंबर है तो हम क्रिया भी सिक्स नंबर ही लेंगे, अगर यहाँ हम यूएम लेते हैं यानी तुम सब या तुम सभी, तो हम यहाँ भी छः नंबर यानी पठत ही लेंगे, ठीक है, पठत यानी पढ़ते हो, यानी तुम, तो अगर हम यूएम पठत लिखेंगे क्योंकि ये छः नंबर है तो ये भी छः नंबर, या फिर ये छः नंबर है तो हम गम धातु का भी छः नंबर ले सकते, किसी भी धातु का लेंगे लेकिन नंबर उसके छः भी होना चाहिए, यानी मध्यम पुरुष बहुवचन ही होना चाहिए, जिस पुरुष जिस वचन का होगा उसी पुरुष उसी वचन के क्रिया भी होंगे, ठीक है, या गच्छत लीजिए या फिर पठत लिख लीजिए, ठीक है, यही दोनों ऐड होंगे, बाकी कोई दूसरा नहीं होगा, माने मध्यम पुरुष बहुवचन का अगर करता है तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया भी लगेंगे, तो यूएम पठत लेंगे तो क्या होगा, तुम सभी पढ़ते हो, ठीक है, और अगर हम यूएम गच्छत लेंगे तो क्या होगा, तुम सभी जाते हो, ठीक है, तुम सभी जाते हो, ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने देखा कितना आसानी तरीके से हमने संस्कृत वाक्यों का निर्माण किया और फिर उसका हिंदी में अनुवाद कर लिया, ठीक है, बस आपको इस पे ध्यान रखना है कि जिस वचन और जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी वचन उसी पुरुष की क्रिया भी होगी, यानी जिस नंबर का कर्ता होगा उसी नंबर की क्रिया भी हम उसमें प्लस करेंगे, तभी हमारा सही वाक्य का निर्माण होगा, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।